What's up everyone, Heather, Tanya, welcome to an amazing video of This CHND Reacts. Finally, after a long time, Carrie Minati ki video launch ho gayi hai, jiska name hai Indian Food Magic. Well, naam hi kuch aisa lag raha hai ki Indian food ka definitely good roasting, kyunki Carrie Minati hamesha se roasting hi karta raha hai. और ये कह रहे हैं, मैं इसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे गया था ना, तो लिखा हुआ था एक न्यू रोस्टिंग वीडियो, तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है. वीडियो करते हैं स्टार्ट. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्ले. डिस्क्लेमर. तो कैसे हैं आप लोग? भोजन के आविष्कार रुक नहीं रहे हैं. पिज्जा बर्गर तक ठीक था, लेकिन जब से ये मैगी, एक तो मैगी ना फिश ट्रैप की तरह है, सब बना लेते हैं और सबको लगता है उनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता. खाने का खेल बना रखा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है. आज हम उसी सीमा का इम्तिहान लेने वाले हैं. तो आओ यार, पालक पनीर को सलाम ठोकते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. अब एक सफाई कर्मचारी हलवाई को पकोड़े तलते देख बोला, साथ दो चार दे दो, मेरे बच्चे को पोलियो है. मगर उसको क्या पता था पकोड़े के अंदर पोलियो है. ये खाने के नियम नहीं तोड़ रहे, ये बिजनेस कर रहे हैं. वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाला कहता है, ये पेन बेच के दिखाओ तब मानूंगा. अबे तू ये बेच के दिखा तब तुझे मानेंगे. अब चलते हैं उस पकवान पे जिसकी पिचकारी मारना एक कला है. कौन सा तोड़ पाने वो? पलंग तोड़ पाक भी है, स्वागत वाला भी है. पलंग तोड़ भी है, स्वागत वाला भी है. कमर के दर्द वाला भी है, सेम जलन का भी है, सेम जलन का भी है. बस जलन पंडित खाने यार, ये भी कोई बताने की बात है. सोचो तुम दुकान पे जाओ और बोलो खा रहे हैं हम यहाँ पे पान. लंडे ले ले. कुछ पानों को अपने पास ही रखना चाहिए, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है. खुश हो आबाद रहो, बोलो बोलो और जिंदगी के हर रफ्तार वाह. मोटिवेशनल पान, 20 का पान, 30 की मोटिवेशन. सोचो संदीप महेश्वरी थी मोटिवेटर, पान खाते हुए मोटिवेशन दे रहे हैं. अरे हम बता रहे हैं स्टार्टअप खोलो बे मट्ठी, तो हम करेंगे इन्वेस्ट. बैठे बैठे इंटरनेट कुछ नहीं होगा. अब चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास मिसाइल, और हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा मोमो. मेरा नासा से सवाल है कि ये जो मोमो के नाम पे नेपाली पराठा बना दिया है, ये विशाल चाइनीज पकवान मुंह में कैसे जाएगा? इसमें क्या है? मैगी. मैदा खाने की आपको जरूरत नहीं है, मैदा को आप छोड़ दीजिए. अंदर आपको मिलेगा आपका नूडल है, राइस है, मंचूरियन है और चिली पनीर है. अबे आविष्कारी मेंढक को जब छिलका ही उतार दिया तो काय बात का मोमो. मोमो के नाम पे चाइनीज खिचड़ी खिला रहे हैं. कल को अपनी साइकिल पे प्लेन के पहिए लगा के टिकट काटना चालू कर देंगे. गाइस ये है इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा. इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा गोल ही नहीं है, इसे खाना है कि चलाना है. चाट से ज्यादा पटाखा लग रहा है भाई. मुंह में कैसे लिया जाएगा इसको? जाएगा. बड़े बूढ़े कह गए हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करो. नहीं जरूरी नहीं है, मेरे पास गुब्बारा है, गाड़ी के टायर में हवा भर दूं, मेरे पास चट्टी है, पैराशूट बना दूं, मेरे पास चश्मा है, चांद दिखा दूं. जाएंगा जाएंगा बोल बोल के मिल्टन की बोतल दे दे मुंह में. अब चलते हैं उस लोकप्रिय पकवान पे जिसे बनाने के लिए एक बावर्ची नहीं साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए. ओके मैगी. मैगी बनानी उतनी ही मुश्किल है जितना अंबानी के बेटे को काम मिलना. मैगी एक मैदान की तरह है जहां मैं बहुत कुछ खेल सकता हूँ, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल. लेकिन जिस दिन उस मैदान पे मैंने तैरना चालू कर दिया, उस दिन कान में निशानी हो गई, छाती में डूबल हो गए, अपनी नजर में तो मैं साइंटिस्ट हो गया. आओ तुम्हें कुछ साइंस प्रोजेक्ट दिखाता हूँ. चौधरी की कुल्फी मैगी, राजेश की माँ के मैगी पकोड़े, राजेश के बाप के मैगी लड्डू, ओल्ड मॉन्क की चूची मैगी बियर, मीठ मीठी मिठाई मोट आइसक्रीम ओरियो मैगी, और पहले नंबर पे आ रहा स्टीवन हॉकिंग का 14 मैगी मिल्क शेक. मैगी मिल्क. इतना बड़ा रिएक्शन तो ऐसे दे रहे जैसे सामने से मैगी नहीं खली आ रहा है. हो हो हो, अरे बाप रे इतना बड़ा. 3, 2, 1 स्टार्ट. ये हरकतें तुम्हें साइंटिस्ट से यूरोनर बना देती है. प्रकृति को धोखा दिया जा रहा है, मिल्क शेक को हाथों से खा जा रहा है. आज से खाने को पी जाओ, पीने को खा जाओ. मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ढिंचक पूजा को और लिरिक्स मत दो. अब मुझे तुम्हें एक और साइंटिस्ट से मिलवाना, लेकिन ये मैटर मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है. कॉम्प्लिकेटेड मैगी, बड़ा मैगी, सनी लियोनी मैगी, कैरी मिनाटी, छोटा भी. 60 रुपए की प्लेट है ये कैरी मिनाटी मैगी. ये प्रोटेस्ट कर रहा है.
अगर मैं इस दुकान के साइड में खड़ा होकर अपना शरीर बेचना चालू कर दूं तो 120 से ज्यादा मांग नहीं सकता, क्योंकि एवरेज तो 60 रुपए चल रहा है। ये डाल दिया भाई मिर्ची। तो भाई सब कैरी मिनाटी मैगी नाम कैसे पड़ा? ये हमारी सबसे स्पाइसी स्पाइसी। अच्छा, जैसे उसकी वीडियो वगैरह देखते हो? हां जी। तन बदन में आग लगाती है, सेम कौन सा तन बदन में? मेरी वीडियो देख के तन बदन में आग लग जाती है, इसलिए मिर्ची डाल दी। तो भैया जी, सनी लियोनी मैगी में क्या डालते हो? बच्चन जी नहीं। अब यहाँ लोगों को बहुत तरह की बीमारियां हैं, लेकिन एक बीमारी है जो यहाँ कितनी ही कोशिश कर लो फैलती नहीं। उस सर्वनाशक बीमारी का नाम है हाइजीन। चावल से मुंह धोया जा रहा है। चाचा चौधरी के वंशज इतने चलाक है, इन्हें लगता है चम्मच सिर्फ खाना मंगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं ये। जब तक कढ़ाई चिकन मेरी आंखों में ना घुसाओ और नान पे लगा मक्खन मेरी कोनी से ना टपक रहा हो, तब तक मजे ही नहीं आते। ये बिन सूंड का बच्चा हाथी जितना खा रहा उससे ज्यादा गिरा रहा है। उसेन बोल्ट के इतनी तेज पैर नहीं चलते जितना तेज इनका मुंह चलता है। ये फूड चैलेंज नहीं, कुदरत को चैलेंज है। चैलेंज बोल के एक दिन चूता मत खा जाइयो। ये ASMR भाई, इनमें कौन चाबी भर जाता है? एक तो 2 सेकंड रुकते भी नहीं है, भोसड़ी के अंदर निकलना चालू कर देंगे। हर नाई को ना ऐसा लौंडा अपने साथ रखना चाहिए कि कभी डीप कटिंग करनी पड़ी तो। अब हट गंदा। ऐसी मुंह की खूबसूरती देखने के बाद मन कर रहा कैरी मिनाटी मैगी में जहर खोल के खा जाऊं, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि उससे बेहतर हथियार पहले से बन रखा है। देखो भाई, गंदम की चटनी पूरा मसाला बना रखा है। ये कर लेते हैं पहले, बर्फ पे गांड रगड़ के आइस गोला बेचा जा रहा है, नमकीन पकोड़े में पसीना इस्तेमाल किया जा रहा है और मसालेदार पानी को हाथों से बनाया जा रहा है। अबे हक दोना खाने पे कम से कम खतरा दिखाई तो देगा। ये पानी पी के दिखा दो, पेट में से ऐसा केचुआ निकलेगा डॉक्टर भी बोलेगा अरे इतना बड़ा। बस बस बस, ऐसी एक और बकचोदी देख ली तो सबके सब उल्टी मारते फिरोगे। अब अगर तुम लोग चाहते हो ऐसी खाने की बकचोदी पे और वीडियोस बनाई जाए तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो गोलगप्पा, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। और याद रहे ये वीडियो मजाक है, बकचोदी है, तो जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए हैं उन्हें हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी उंगलियां काबू में रखो। चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बर्फ पे अपना मुंह रगड़ना है। बाय मोहित। अबे यार बिग बॉस खत्म हो गया, अब 1 महीना लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। कैरी एंड सनी। हेलो, सनी पाजी बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हो? मैं इलोन मस्क का छोटा बोल रहा हूँ। आपको हमारे मंगल ग्रह प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है। ओ वाओ, कब दिखा रहे हो रॉकेट में? उससे पहले हमें आपका IQ टेस्ट लेना होगा। बहुत लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड का CV भी याद नहीं रहता, क्या आपको याद है? हाँ मुझे याद है, 753। ओके, OTP आया होगा? हाँ, 4183। शुक्रिया सनी पाजी, हम आपसे जल्दी संपर्क करेंगे। ओए बॉबी, मैं मंगल ग्रह पे जा रहा हूँ, परिवार का ध्यान रखना। ये मंगल ग्रह अमेज़न से 4 लाख की शॉपिंग किसने की है? पापा मेरी कार ले लेंगे। और ये इलॉन मस्क के चोदर ने मुझे डूब दिया। ओके नाइस। मैंने सोचा था कैरी, मैंने जिस तरह दूसरा आज मैंने पहली मतलब मुझे क्या कहते हैं फूड ब्लॉगर्स को रोस्ट होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। एटलीस्ट मैंने सोचा इतने फूड ब्लॉगर, हां ये, बट मैंने सोचा था कि कोई और तरह की रोस्टिंग होगी, बट ये ना हो सकता है कि माइंड से अलग होकर निकल गया। मैंने सोचा इस तरह कोई सिंगर्स की रोस्टिंग होगी या बिग बॉस की या फिर कोई जिनकी शक्लें नजर आई उनके कॉमेंट साइड में जाके भरने की जरूरत नहीं है। और वैसे ये ओवरऑल इस तरह के जो सीन्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। मतलब अगर हम देख रहे होते हैं ना एक फूड ब्लॉगर्स की वीडियो, तो उसमें वो बहुत हद तक जब कैमरा होता है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि इस तरह की चीज ना आए। ये कोई एक का दुखा चीज आ जाती है गलती से, आज उनकी गायब है, उनकी रोस्टिंग होगी। बट ओवरऑल एट द एंड ये फन है, एंटरटेनमेंट, इस पर कोई हेट की जरूरत नहीं है। और अगर वो सीन्स अगर कुछ इस तरह के भी है ना, वो दैट मीन्स के मतलब वो कोई मिस्टेकनली आ गए होंगे ऐसा वैसी। अब अगर कोई करता भी हो ना तो एटलीस्ट कैमरे के सामने वो नहीं करता, कैमरे के सामने वो कहते हैं यार सही सलीके से आए। तो ओवरऑल फूड जो
फूड की रोस्टिंग क्या है या फूड ब्लॉगर्स की रोस्टिंग क्या है, क्योंकि वो याद है वो मोमो का बिजनेस छिलका खिचड़ी बनाई भी है, लेकिन वो कहते हैं मोमो रहा ही नहीं है, बट ये ठीक है, मजे की बात है। और इसमें बीच में दिनचर्या पूजा का भी जिक्र किया, उसके लिरिक्स देना बंद कर दो, मतलब अपना काम तो ऑटोमेटिक कर ही जाता है कि जिस तरीके से रोस्टिंग इसने दिनचर्या पूजा की भी बहुत की हुई है। तो ओवरऑल या आई लाइक द वीडियो, एक फूड एंटरटेन। और अब मैंने चीज नोटिस की है, कैरी की जो रोस्टिंग है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है पहले की नहीं। पहले की रोस्टिंग में इसके ना गालियां बहुत होती थी, अब इसमें वो बहुत हद तक कंट्रोल लिमिट तक रखी। हाँ, वो अब की रोस्टिंग में इतनी नहीं है, बट पहले बहुत होती थी। बट यार इसमें भी मजा आया, आपका जो ओपिनियन है आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। गुड लक।